नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार कुशवाहा आप लोगों के सामने लेके आया एक बहुत ही अनुभूत नुस्खा जो कि 15-20 साल पुराना है। इसमें करना है कि हमने सतावर की जड़ का प्रयोग करना है और ये किस काम आएगा। जैसे देखिए, अचानक किसी की आंखों की रोशनी चले जाना, रतौंधी हो जाना, या आंखों से कम दिखाई देना, या चश्मा लगना, तो इसका हमें प्रयोग क्या करना है कि सतावर, ये देखिए मेरे पे देसी सतावर, एक नेपाली सतावर होती है वो सही नहीं होता, ये वाली सतावर जिसकी बेल आती है और ये बहुवर्षीय पौधा है। पुराने देखिए जड़ निकलती रहेंगी और नए बनते रहेंगे, ये जैसे ये देखें तो ये है, तो इसमें नए नए किले आते रहते हैं, जड़ें बनती रहती हैं और ये नए पुरानी जड़ें होती हैं। तो मैं पुरानी दो जड़ें आप लेंगे या एक जड़ लेंगे, उसको दूध में पीस करके सिलबट्टे पे दूध में उबाल करके पीना है। आप मिश्री डाल सकते हैं स्वाद के लिए। तो ये इसकी जड़ें हैं, तो ये इसकी जड़ें मैंने उखेड़ी, देखिए पुरानी जड़ है तो थोड़ी छोटी है। वाली देखिए नई जड़ आई है तो लंबी है। तो इसमें करना क्या, हमने इसकी एक या दो जड़ लेनी है मोटाई के हिसाब से और इसको हमने सिलबट्टे पे पीसना है और दूध में उबाल करके मिश्री डाल करके पी लेना है। तो ये 20-21 दिन या 100 महीना करिएगा तो आंखों की रोशनी पे बहुत असर पड़ता है। और अचानक से किसी ख़ास तौर से लड़कियों को जिनकी मासिक धर्म की अनियमितता या पढ़ाई की वजह से रतौंधी होने के चांसेस रहते हैं या कम दिखाई देने लगता है या आँखों में दर्द होता है, तो उसमें बहुत ही रामबाण है और ये मेरा अनुभूत नुस्खा है। तो आप इसको ज़रूर लीजिएगा और इसको मुझे कमेंट के माध्यम से जिसको भी फ़ायदा होगा बताते रहिएगा समय समय पर, ताकि और लोग भी ले सकें। और कैसे कैसे आपने लिया, तो इसको गमले में आप ज़रूर लगा लीजिएगा, 10 गमले ले लीजिएगा बड़े बड़े और उसमें 10 पेड़ इसके लगा दें, आराम से पूरे भारतवर्ष में इसको मिल जाता है ये सतावर। और अगर नेपाली लगा लेंगे तो वो भी काम करेगा, लेकिन उसके पेड़ छोटे होते हैं। उसका बीज मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका तो नहीं है, इसके बीज बहुत कम बनते हैं। तो नेपाली सतावर के बीज हैं और ये आप ये देख रहे हैं कि इसकी जड़ को मैंने बताया काफ़ी जड़ें हो जाती हैं, यहाँ तो बहुत सारी जड़ें ही देखेंगे तो आप। तो ये जो बाज़ार में मिलता है ना, वो सूखा हुआ होता है, उबला हुआ, मतलब उबाल करके सुखाया जाता है, जिससे कि इसकी क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। ताज़ी जड़ का अपना फ़ायदा है, इसका ताज़ा जड़ अगर प्रसूति महिलाएं भी लेती हैं तो उनको दुग्ध वृद्धि होती है और दूध बनना बहुत तेज़ी से चालू होता है। जिसको दूध नहीं बन रहा उनको भी दूध बन सकता है, जो प्रसूति जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वहाँ परेशानी हो रही आजकल हमने देखा है। तो इस तरीके से आप इनका प्रयोग कर लीजिएगा। और जैसे मैंने रतौंधी के लिए या आँखों की पावर के लिए बताया, मेरा अनुभूत नुकसान से 20-25 साल पहले मेरे कजिन के साथ ही हुआ था, तो उन्होंने लिया था तो बहुत ही उनके आँखों का दर्द भी सही हो गया था और रोशनी भी सही हो गई थी, पावर भी है और आज तक चश्मा भी नहीं लगा। तो आप इसका प्रयोग ज़रूर करिएगा। जैसा कि आप लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी शेयर करते रहिएगा। साथ ही आप लोगों ने देखा उसके लिए पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।